सेक्रेटरी साहब को एडवाइस चला जाएगा, असेंबली इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो भी प्रोसीजर है स्टेट अगर गवर्नमेंट का वो अब शुरू हो जाए। अपनी कौम को आज कहता है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, आपके फैसला करना है इसको। सदर मुमलिकत ने कौमी असेंबली तहलील कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर को तजवीज़ भेजी थी। इमरान खान कहते हैं कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे, मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम ने करना है। तहरीकी अदम एतमाद गैर मुल्की एजेंडा था, मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश हमने नाकाम बना दी। वजीरे कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और जब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। विमान की कार्रवाई रोक की जाती है। अदम एतमाद की करारदाद गैर आइनी करार, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद कर दी। डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, करारदाद कानून और रूल्स के खिलाफ है। आर्टिकल 5 से मुतालिक वजीर कानून के नकात भी दुरुस्त करार। मेरी आपसे दरखास्त है पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या इनके आर्टिकल क्या या इनके आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 किस स्पीकर के ऊपर भी और इमरान खान। वजीर आजम ने आइन शिकने की, उन्होंने आइन तोड़ा। स्पीकर इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो बोले हुकूमत ने ये बचकाना हरकत की है, ये अदम एतमाद से भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, हम इन्हें ये गैर आइनी काम नहीं करने देंगे। मुत्तहदा अपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। कौमी असेंबली में अपोजिशन का खुद साख्ता इजलास, अयाज सादिक ने स्पीकर की नशस्त संभाल ली। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कर ली। इमरान खान के खिलाफ 195 अराकीन ने वोट दिया, पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन ने भी वोट डाला। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर चीफ जस्टिस की नजर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साथी जजेस को अपने घर मशावरत के लिए बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए गए। आईनी उमूर के शोबे का अदालती अमला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कैसा लगा सरप्राइज, गद्दारी की इजाजत किसी सूरत नहीं देंगे। फरूख हबीब कश्मीर लिखा, गद्दारों की कांपे टांगना शुरू हो गई। इस्लामाबाद में टिश्यू पेपर्स की कमी हो गई। वजीर आजम ने बैरूनी साजिश को नाकाम बना दिया। इंडियन मीडिया पर मातम शुरू हो गया, अब 90 दिन में नए इलेक्शन हो जाएंगे। सबसे बड़ी आलमी साजिश बुजदार थे, बुजदार को हटाकर ब्लैकमेल करने वाले का नामजद किया गया। क्या 184 अफराद में से कोई वजीर आला नहीं बन सकता था? साबिक गवर्नर चौधरी सरवर फट पड़े, कहा मुझे 2 अप्रैल को इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत का कहा गया। वजीर आजम के कहने पर मैंने रात के अंधेरे में गैर आइनी काम किया और रात के अंधेरे में ही मुझे हटा दिया गया। पंजाब असेंबली का इजलास भी बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दिया गया। वजीर आला का इंतखाब ना हो सका, पंजाब असेंबली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया।